दोस्तों नमस्कार, मैं निर्मल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज मंत्रा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपना IRCTC अकाउंट में अपना आधार KYC कैसे अपडेट करेंगे। दोस्तों IRCTC में KYC अपडेट करने के बाद आप महीने के 12 टिकट बुक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है जिसको कि फॉलो करके आप भी आसानी से अपना IRCTC अकाउंट में KYC अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को टैप करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी टैप कर लीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के जरिए हम जान लेते हैं कि अपना IRCTC अकाउंट में KYC कैसे अपडेट करेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले IRCTC रेल का ऐप ओपन करना होगा। यहाँ से ट्रेन टिकट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और अपना पासवर्ड एंटर करके और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से अपना पिन वैलिडेट होने के बाद वेरीफाइंग यूज़र होगा और आपको एक नया वेब पेज मिल जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर में ऑप्शंस दिख रहे हैं, वहाँ से हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें नीचे आ जाना है माई अकाउंट। माई अकाउंट के ऑप्शन पर प्लस का जो निशान है उस पर टिक करेंगे तो हमें दिखेगा आधार KYC। इस पर आधार KYC पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला पेज ओपन होगा, उसमें अपना नेम एज पर आधार, जैसा कि अपना आधार कार्ड में नाम है उसको एंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे में आधार नंबर भी एंटर कर देना है। ये दोनों चीज़ एंटर करने के बाद आई एग्री के ऑप्शन पे एक बॉक्स बना है उस पर टिक कर देना है। उसके बाद सेंड OTP का ऑप्शन है नीचे, उस पर क्लिक कर देना है। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड को एंटर करके और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे KYC अपडेट का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपका पूरा जो आधार डिटेल है वो आपको इस स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। इसको कि अपडेट KYC पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अपडेट KYC पर क्लिक करेंगे आपका आधार KYC कन्फर्मेशन का मैसेज आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और उसके बाद से ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट करेगा पेज और फिर से लॉगिन करना होगा आपको इस एप्लीकेशन में। लॉगिन करने के बाद फिर से वेरीफाइंग यूज़र होगा और वहां से आपको आपका पिन सेट करना होगा। उसके बाद से आप यहां से लॉगिन करके महीने का 12 टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा प्रोसेस अपना IRCTC अकाउंट में KYC अपडेट करने का। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लीजिए। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। आपका अगर कोई सुझाव या कोई भी शिकायत है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे प्रमोट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी टैप कर लीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे ऐसे ही किसी और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।